अस्सलाम वालेकुम लॉगिन गाइस एंड ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज नईमुद्दीन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आया हूँ इस वक्त मार्ट फूड पे। आए चले मैं आपको मार्ट फूड के ऑनर से मिलवा। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? सर ये मुझे आप बताएं कि क्या नाम है जो आपका ये मीट है और आपके ये मसाले से ये आपकी कैसी रेसिपी है, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ? सर ये सबसे पहले अल्लाह का करम है और मेरी एक कोशिश है और नतीजा अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने मेरी मुझ पर बड़ी करम नवाजी की और अल्लाह का शुक्र है, जिसने भी खाया है वो ये बात बोलता है कि हमने लाइफ में ऐसा बारबेक्यू नहीं खाया। ठीक है, और ये आपके रोल के इतने चीपेस्ट प्राइस हैं कि ऑल द वर्ल्ड मैंने कहीं नहीं देखे, ये क्या वजह है? सर बेसिकली देखें, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊं कि मार्ट फूड जो है ना बेसिकली वो है राइट डायरेक्शन प्रोवाइडर। ठीक है, और राइट डायरेक्शन प्रोवाइडिंग के अंदर हमने क्वालिटी भी अच्छी रखी हुई है, प्राइजेस भी लो रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो आपके व्यूअर्स हैं वो देखते होंगे और जिन्होंने खाया हुआ है क्वालिटी अपने कमेंट्स के जरिए आपको बताएंगे कि ये कितनी हद तक सच है। सेकेंडली उसके अलावा ये दुनिया का पहला नॉन ट्रेडिशनल बारबेक्यू है मार्ट फूड, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर मसालों के साथ मैरिनेशन होती है और उसको बनाया जाता है। मगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आए और हम मसाले और सॉसेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर जाके मैरिनेशन करते हैं। तो ये कराची में एक्सेप्शनल चीज़ थी, लोगों ने खाया और इवन कि मेरे पास तो बैठने की भी जगह नहीं थी। बिल्कुल, एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड के दिनों में जब लोग जो है कहते हैं अपनी नौकरियों को दांतों से पकड़ रहे थे, मुझे अल्लाह पे भरोसा था अल्हम्दुलिल्लाह और हर मुसलमान को भी होता है, मगर मैंने अपने तौर पर ये डिसीजन लिया कि मैंने अपनी एक वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के ये छोटा सा बात को स्टार्ट किया, क्योंकि एक वजन था, एक करेज थी, एक इनिशिएटिव था, एक गोल था जिंदगी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाली, अल्लाह ताला ने मशहूर भी किया। आप ही जैसे यूट्यूबर भाई मेरे पास आते गए, जिसमें नुमाया नाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम जैद तबारक साहब हैं, शेफ उजमा हैं, ईट एंड डिस्कवर के बाबू भाई हैं और दीगर जो है यूट्यूबर्स हैं, जिसमें मेरे व्लॉग्स हैं, शेफ उजमा, नईम, कनेक्ट नईम, जिशान हैं, मैनी बट नथिंग, राबत जिया हैं और फूड विद फान हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आप यकीन करेंगे फूड सिर्फ हैं, फूड हेडक्वार्टर है, यानी कि फूड ड्राइव है। सबसे पहले फूड ड्राइव जो है वो छोटी सी बच्ची है अनाया, वो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती है फूड के बारे में। तो ये सब लोग मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहता था और अल्लाह मेरे लिए अल्लाह बनाता रहता था। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट और कस्टमर्स की मोहब्बत की वजह से मुझे डायमंड बनाने पर मजबूर किया। तो जो मेरी टीम है उससे डिस्कशन ये हुई, जो टीम ने बोला कि जब यूट्यूबर्स ने हमारे को सपोर्ट किया है तो हम क्यों ना दुनिया का पहला इनोवेटिव रेस्टोरेंट इंटीरियर बनाए जिसके अंदर हम यूट्यूबर्स को प्रमोट करें। जैसा कि देख रहे हैं हम दानिया टीचर, इंफोमेनिया टीवी, स्ट्रीट फूड पीके, ईट एंड डिस्कवर, ये सारे यूट्यूबर्स को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ और लोग मेरे प्रमोट करने से उनको शायद फर्क पड़े ना पड़े, मगर मेरी दिली तसल्ली और दिली खुशी की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग बस इसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहिए और हम आपके चेहरों पे खुशियाँ बिखेरते रहें, मुस्कुराहटें बिखेरते रहें, अच्छी क्वालिटी, अच्छा फूड और रिजनेबल प्राइस के अंदर बहुत अच्छा डाइनिंग बनाए। कोशिश की है कि एक लियाकतबाद के अंदर ऐसा डिफरेंट रेस्टोरेंट बनाया जाए जहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय भी कर सकें और उसका इंटीरियर भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कुछ डिफरेंट। तो आपने बाकी अपनी वीडियो के अंदर शूट किया, इंशाल्लाह लोग जब मेरे पास आएंगे तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी उसके मुताबिक मैं फूड सर्व करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और अभी तक पास में भी किया है
अगर कोई शख्स हमारे रिव्यू चेक करना चाहे तो गूगल्स पे जाके रिव्यू चेक कर सकता है, मार्च फूड लिख के। और सेकेंडली फेसबुक पेज भी हमारा, यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है इनके देसी फूड प्राइस। ये इतना इनोवेटिव आइडिया मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो अपना ये मार्च फूड में देखा है मैंने। ये अपने चैनल को और लोगों के चैनल को इतना प्रमोट कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ने सब यूट्यूबर सब चैनल वालों को प्रमोट किया हुआ है यहाँ अपने मार्ट फूड के डाइनिंग में, ये आप देख सकते हैं। और ये इनने अपना वीजन डाला हुआ है और अपना इन्होंने ये अपनी जर्नी भी ऐड करी हुई, आप लोग देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने यहाँ मार्ट फूड की डाइनिंग में, मतलब ज़बरदस्त हो गया लड़के। तो ट्राई करते हैं इसका, ये मार्ट फूड का बोल आपको बताते हैं टेस्ट इसका। कसम से बहुत टेस्टी एंड बहुत मुश्किल है, आप क्या है ट्राई कर। आपको मार्ट फूड के टीम मेंबर से मिलाता चलूं। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी क्या राय है इसके बारे में, कैसे आइडिया आया आपको मार्ट फूड का? ठीक है, ठीक ठीक सही है, ठीक है। तो आपने इतना नीट एंड क्लीन इसको किस वजह से रखा हुआ है? ठीक ठीक ठीक, बड़ा जबरदस्त आइडिया है, क्लीनिंग से लेके हर चीज हम खुद ही करते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल, पराठे भी बनाना, पार्सल करना, मार्केट सिखाई होगा, सब काम हम खुद ही करते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त, गुड हो गया लड़के। ये मार्ट फूड की पिन लोकेशन बताता चलूँ मैं आपको, मेन डाकखाना शेल पेट्रोल पंप वाली स्ट्रीट जो है इससे बिल्कुल सीधे आ जाएं, नियर तैयार मस्जिद और ख़त्म नबूत चौक है यहाँ पे, इसके बिल्कुल सामने ही मार्ट फूड है, ये आप देख सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।